मन करता है इनका एक गमला उठा ले जाऊं बहुत अच्छा लगता है। धूप निकलने की वजह से सबकी चांदी चांदी हो गई है। यहाँ मेरे चार दोस्त बैठे हुए सनबाथ ले रहे हैं, कितने स्टाइल में सनबाथ ली जा रही है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अमरूद खाओ तो वो खांसी कर देता है और अगर अमरूद को ऐसे पका के खाओ तो वो खांसी की दवाई बन जाता है। तो हाँ जी, मैंने सर्दियां हो रही हैं और फाइनली हमारे कानपुर में 200 साल बाद धूप निकल आई है। मैं धूप में बैठी हूँ सनबाथ लेने के लिए। सनबाथ लेने का तो फिर कोई टाइम नहीं है फिलहाल, जस्ट मैंने अभी खाना खाया है और मैं कोचिंग से वापस आई हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ बनाया जाए, तो मैं अपना अमरूद खाने लग रही। फिर अभी हम बाहर जाएंगे, पहले मैं अपने अमरूद को कट करूं। गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हीरो, जब जो चीज होती है और एक्सेसिव मात्रा में होती है तब हम लोगों को उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जैसे कि ये धूप। और देखो अभी 8 ही मतलब कुछ ही दिन हुए हैं ना, 4-5 दिन हुए हैं कि कानपुर में धूप अच्छे से नहीं निकली है। फाइनली आज 200 साल बाद कहेंगे मतलब 4-5 दिनों के बाद धूप निकली है और तो धूप इतनी प्यारी लग रही है, मानो कि क्या मिल गया है, लाखों का खजाना मिल गया है, ऐसा फील हो रहा है। जस्ट अभी मैंने खाना खाया है, थोड़ा वॉक कर लेते हैं खाना खाने के बाद, वॉक कर लेना चाहिए। आप लोग खाना खाने के बाद वॉक करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं करते हैं तो किया कीजिए, अच्छा होता है और मज़ा भी आता है। ऐसी ठंड हो तो ठंड में सनबाथ लेना मत भूलें बिल्कुल भी, यू नो, जब भी धूप मिले एकदम निकल जाएं, छत पे निकले, रोड पे निकले, कहीं भी निकले, बट जस्ट निकल जाएं एंड हैव सम सनलाइट यार। बस अपने घर में अंदर हीटर में बस बंद रहिए, नेचुरल सनलाइट का यूज़ कीजिए, जो भगवान जी इतना बड़ा हीटर आपको दे रहे हैं इतनी सर्दियों में, तो उसका यूज़ कीजिए। यू नो, हमारे साथ साथ पौधों के लिए भी धूप बहुत ज़रूरी होती है, तो हम इसको भी धूप में कर देते हैं, अच्छे से धूप ले ले ये, ताकि आगे फले फूले। यू नो, ठंड में मन ही नहीं होता धूप को ऐसे छोड़ के जाने का, बट यार काम करना भी ज़रूरी है, तो मुझको मार्केट से कुछ सामान लाना था, तो चलो यार थोड़ा मार्केट चलेंगे और कुछ सामान लेके आते हैं। बट मुझे जब भी मैं यूजुअली मार्केट जाती हूँ तो मेन रोड की बजाय गलियों में ट्रैवल करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं गलियों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा पीसफुल होती हैं। नो, मुझे इस गली में ये जो प्लांट्स हैं ये बहुत पसंद है। स्नेक प्लांट है पूरा, कितना बड़ा लगा हुआ है स्नेक प्लांट। मैंने भी मेरे घर में लगाया हुआ है लेकिन वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है। मन करता है इनका एक गमला उठा ले जाऊँ बहुत अच्छा लगता है। मार्केट मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर है, तो इस बहाने हमारा यू नो, वॉक भी हो जाता है। सर्दियों में वैसे भी हमारी जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा कम होती है, और वैसे भी हमारा यू नो, लाइफस्टाइल तो माशाल्लाह है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हम लोग जीते हैं, यू नो, सब बैठे बैठे मिल जाए, मम्मी पानी दे दो, मम्मी खाना दे दो, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो, मतलब सारे काम हम लोग मम्मी से ही करवा लेते हैं। अभी धूप निकली हुई है तो मैंने अपने कोट के जो बटन हैं वो खोल लिए हैं और इस तरीके से इसको ओपन करके डाला है, अदरवाइज़ तो मैं बिल्कुल जैसे वो डाकू नहीं होता है, डाकू मंगल सिंह, पूरा ये बंद ऊपर से शॉल वॉल लपेट के पूरी डाकू बनी रहती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड होती है, आज धूप निकल गई है तो मौसम काफ़ी ब्राइट है, अच्छा लग रहा है और फाइनली हम कहीं बाहर जा पा रहे हैं अपने काम के लिए, अदरवाइज़ कंबल को छोड़ के जाने का कहीं मन ही नहीं होता है। न्यू ईयर से पहले की बात है, मैं कोचिंग से ऐसी वापस जा रही थी तो मैंने कुछ डॉगीज़ के बच्चे देखे थे, पपीज़ देखे थे छोटे छोटे,
और उनका घरौंदा बना हुआ था। तभी मैंने सोचा था उनके घरौंदों के लिए यू नो कुछ गर्म कंबल टाइप में या कुछ गर्म कपड़ा ले आऊँगी जहाँ वो रहते हैं। फाइनली हम उनके घरौंदे में कुछ डालने वाले हैं। कितने प्यारे प्यारे हैं ये। वाओ, ये एक महीने के हो गए होंगे, एक महीने से ऊपर हो गए हैं। इनकी बैठने, ये सो रहा है क्या, इधर वाला सो रहा है, कमजोर है ये थोड़ा। तो खाते क्या है इनका, इनके लिए बैठने के लिए मैं कुछ बोलते हैं कवर कर लेते हैं, कोई कुत्ते रात में बहुत ठंड होती है ना, तो इनके लिए ऐसे बिछा दो। हाँ, ये सी पे बैठ जाया करेंगे, जहाँ पे भी ये बैठते हो वहीं पे बिछा दो, ये गर्म रहेगा। इसको खोल दो, सारी सी पे बैठ जाएंगे। कितने सारे हैं, आठ हैं, आठ खेलने में लगे पड़े। कितने बड़े हो गए होंगे, एक महीने के, कुछ मत कर देना तो। अबे ये वाला नहीं होता है भाई, ये वाला सारी चीज होते हैं। अच्छा तुम भी आ जाओ, मैं जब तो हमारा एक काम तो हो गया, हमने डॉगीज के लिए वो इंतज़ाम कर दिया जो हम करने के लिए आए थे, और अभी अपना मार्केट चलते हैं और अपना सामान लेते हैं, बस फिर काम ख़त्म करते हैं। क्यों ना, धूप निकलने की वजह से सबकी चांदी चांदी हो गई है। यहाँ मेरे चार दोस्त बैठे हुए सनबाथ ले रहे हैं, कितने स्टाइल में सनबाथ ली जा रही है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। चालीस वाला हार्पिक थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली यू एंजॉय दिस व्लॉग अ लॉट एंड आई एंजॉय मेकिंग इट टू